जय माता दी। भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के बीसवें अध्याय का। बीसवें अध्याय में है श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण रास जल विहार एवं वन विहार का वर्णन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्रीहरि जल कीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर राशेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्रीहरि ने रास नृत्य नृत्य किया। वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम धन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। जमुनंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटी प्रदेश में कंगनी जाल पहनाया। श्री मधुमाधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विरजा ने कोटि चंद्र माओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणि मंडित कुंज की पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्नजटित दो कंगन भेंट किए। सत्यचंद्रनाना सखी ने रत्नमय भुज कंगन, बाजूबंद, विजायठ, जोशन और झबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने दो अंगद भेंट किए जिनमें जड़े हुए रत्न उदीप्त हो रहे थे। वंदी ने दो ताटंक तरकियां तथा सुखदायिनी ने दो कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बेंदी टिकुली दी। सती पदावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालीन सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिणी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावन वनाधीश्वरी वृंदावन वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्युतमान चंद्र सूर्य नामक दो आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्रीहरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उनके जल में उन्होंने हथिनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहां साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्रीहरि को दो सुंदर चंद्रकांत मणियों तथा दो सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात श्रीहरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लतावलरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहाँ संपूर्ण सखीजनों को पसीने से भींगा देख बंसीधर ने मेघमल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारे बरसने लगी। विदेहराज उसी समय अपनी सुगंध से सब कामन मुँह लेने वाले शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहाँ एकत्र सम्मिलित हो उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहाँ से राधा वल्लभ श्री कृष्ण ताल वन को गए। वह उस वन में ब्रज बधु टियों से घिरे हुए श्रीहरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियाँ पसीना पसीना हो गईं और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रासमंडल में रासेश्वर से कहा। गोपियाँ बोली, देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। हरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यही दिव्य मनोहर रास करें।
हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगे। आप इस जगत के सृष्टि पालन तथा संहार के भी नायक हैं, श्री नारद जी कहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने वेद की छड़ी से भूमि पर तारण किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मिथिलेश्वर उस वेद गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहाँ श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए। जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था, वहाँ भ्रमरों की ध्वनि सब और गूंज रही थी, उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने ब्रजंगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंध धारण कराया। सहस्त्रदल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी मालिनी कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंग और भी उद्भासित हो उठे थे। मंदार पुष्पों का उतरीय दुपट्टा और कमल के पुष्पों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विशोभित कर रही थी। राजन अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान बसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग वीणा वंशी मूर्चंग झांझ और करताल आदि वादियों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव मेघमल्लार दीपक मालकोश श्रीराग और हिंदोल राग इस सब को पृथक पृथक गाकर 8 ताल 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक वज्र गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास की राखी। बैसाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कंगार कुष्मों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वशित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं से फूल खिल रहे थे। इन सब से सुशोभित निर्जन मन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में ये देवराज इंद्र विहार करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।